वेलकम बैक स्टूडेंट्स, डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती है बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर। क्लास प्लस टू चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और एक और नया टॉपिक है, और जो टॉपिक है वो है फ्यू फैक्ट्स ऑफ द नीट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको पता है या अगर आपके नोटिस में है कि एम्स जिपमर वगैरह सारे के सारे अंडर एक ही रूफ हैं एंड दैट इज़ द नीट, तो इसीलिए ऑब्वियसली जो नीट 2020 है उसका स्कोर, उसका जो लेवल है वो अप टू हाई होने वाला है। तो इसीलिए हम नीट को एज द एनसीईआरटी बेस ना लेके कुछ ऐसे फैक्ट्स डालने ही होते हैं उसमें जो ज़रूरी हैं आपके आने वाले 2020 के लिए। तो इसमें हमने पहली वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कर लिया है, बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर ओनली फोकस टू द मेन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ ओव्यूल, कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंट तरह के ओव्यूल की स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं जो हाईलाइटेड हैं, जो जनरली पूछे जाएंगे। तो इसमें पहले हम फ्यू फैक्ट्स ऑफ द नीट जो है उसमें एग्जाम्पल पे फोकस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और उसमें पहले हम कर रहे हैं यूनिटैग्मिक ओव्यूल के एग्जाम्पल। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका है कि यूनिटैग्मिक ओव्यूल क्या होते हैं, ऐसे ओव्यूल जिसके अंदर सिंगल एंटैगमेंट होती है, एक ही एंटैगमेंट होती है, वो होते हैं यूनिटैग्मिक। और सिंगल एंटैगमेंट वाले जो मैं पहले भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स के अंदर जो एडवांस्ड डाइकोट्स हैं उनका जो ओव्यूल है वो यूनिटैग्मिक ही होता है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो जितने के जितने सिनपेटलस हैं या गैमोपेटलस एग्जाम्पल हैं डाइकोट्स के, वो सारे के सारे यूनिटैग्मिक में आते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं बाईटैग्मिक ओव्यूल के ऊपर, ऐसे ओव्यूल जिनकी अंदर इंटैग्मेंट दो प्रेजेंट होती है, और ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि बाईटैग्मिक ओव्यूल लेस एडवांस है एज कंपेयर टू द यूनिटैग्मिक ओव्यूल, और इनके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं प्रिमिटिव डाइकोट्स के एंड मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स के। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं पॉलीपेटलस, क्योंकि ऊपर डाइकोट में कौन सा आ गया, गैमोपेटलस, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉलीपेटलस जिसके अंदर पेटल्स बहुत ज्यादा है एंड आर्किक्लेमाइडी, कौन से आर्किक्लेमाइडी एंड मोनोकोट्स की सारे की सारी जितनी भी फैमिलीज हैं वो आती हैं बाईटैग्मिक के अंदर। अब आता है ट्राईटैग्मिक, या जिसका दूसरा नाम होता है एरिल, ARIL, एरिल। ओके, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ सीड भी पढ़ते तो वहां पे भी एरिल आता है। तो क्या है ये, कॉलर लाइक आउट ग्रोथ होती है फ्रॉम द बेस ऑफ ओव्यूल, और वो कम्प्लीटली कवर कर लेता है ओव्यूल को, और वो रियल में वो क्या होती है, थर्ड इंटैग्यूमेंट होती है। ऐसे ही अगर हम कैरेंकल का एग्जाम्पल पढ़ें तो जो कैरेंकल है वो क्या है, आउट ग्रोथ है फ्रॉम द आउटर इंटैग्यूमेंट, जो थर्ड इंटैग्यूमेंट है वो आउटर में और भी एडवांस होकर के मॉडिफाई होकर के और माइक्रोपाइल रीजन को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। और ये जो कैरेंकल का एग्जाम्पल है ये बहुत कॉमन होता है यू 4BAC के अंदर, और इसका एग्जाम्पल है कैस्टर का या रिकिनेस का। पॉइंट टू बी नोटिस, जब आप सीड की स्ट्रक्चर करेंगे इस लेसन के लास्ट में भी हम सीड की स्ट्रक्चर करने वाले हैं, तब वहाँ पे कैरेंकल को हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको आप ये जो दो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिल को भी हम डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यूनिटैग्मिक बाईटैग्मिक में यही कॉमन याद रख लेना, मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स के अंदर यूनिटैग्मिक होते हैं एंड मोनोकोट्स के अंदर बाईटैग्मिक होते हैं। एटैग्मिक का मैंने एग्जांपल बताया, जितने भी पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि लोरेंथस है, वेस्कम है, सेंटेलम है, इन सभी के अंदर जो एग्जाम्पल होता है एटैग्मिक का होता है। इसका मतलब उनके अंदर इंटैग्यूमेंट्स होती ही नहीं है, उनका जो ओव्यूल है वो न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसके अलावा काइंड ऑफ द ओव्यूल, हमने शेप पीछे वाले उस वीडियो में की थी तो उसमें हमने शेप को ड्रॉ करके बताया था, और उनको एक बार फिर रिपीट करते हुए हम उनके एग्जांपल्स पे करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, यहाँ पे हमने पहले किया था ऑर्थोट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस में सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे होती है जिसमें फ्यूनिकल नीचे, फिर उसके बाद में नीचे चेलेजलैंड, फिर एम्ब्रियोसैक और फिर माइक्रोपाइल। तो इसके अंदर माइक्रोपाइल एंड चेलेजलैंड फ्यूनिकल सारे के सारे एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और अगर आपको याद हो
तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है लगभग दिखने में, जिसमें बीच में एम्ब्रियोसैक होता है। ओके, तो ये है ऑर्थोट्रोपस। और ऑर्थोट्रोपस जो है, एट्रोपस इसको बोलते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप का है। और एग्जाम इसको पॉलीगोनम टाइप वो भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीगोनम टाइप ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है ये। पॉलीगोनम टाइप जो है वो किसको बोलते हैं, एंड दिस इज द ऑर्थोट्रोपस, क्योंकि एग्जाम्पल पॉलीगोनम में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। एग्जाम्पल है इसका पेटल का और पाइपर का, ठीक है। फिर हम आते हैं एनाट्रोपस में, और एना मतलब रिवर्स हो जाता है, और उसके अंदर जो एम्ब्रियोसैक, जो ओव्यूल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली इतना कवर करता है कि फ्यूनिकल के 180 डिग्री पे वो कर्व्ड हो जाता है, ऐसे था और वो ग्रो करते करते ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओव्यूल इज इन्वर्टेड एट 180 डिग्री। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल इतना ग्रो हुआ कि वो माइक्रोपाइल मुड़ गया और हाइलम के पास में आ जाता है, जिसमें माइक्रोपाइल एंड हाइलम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और ये मोस्ट ऑफ द 82% एंजियोस्पर्म्स फैमिली का जो एग्जांपल है वो क्या होता है, एनाट्रोपस है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस का मतलब जिसके अंदर जो ओव्यूल है वो हाफ कवर्ड होता है। तो हेमी एनाट्रोपस में 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है ओव्यूल किसके, फ्यूनिकल के। फ्यूनिकल के ओव्यूल कंप्लीटली कवर करके और ऐसे ग्रो हो जाता है उसके, ये फ्यूनिकल है और माइक्रोपाइल ऐसे चला जाता है। ओके, तो इसमें माइक्रोपाइल ओव्यूल और चैलेजा लाइन में होते हैं और फ्यूनिकल नीचे होती है। ओके भाई, तो हेमीट्रोपस का एग्जांपल रैनेनकुलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। एक बार मैचिट में भी आया था एग्जाम्पल में, तो रैनेनकुलस के अंदर हेमी एनाट्रोपस का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है केम्फाइलोट्रोपस, और केम्फाइलोट्रोपस में जो ओव्यूल है वो ओव्यूल उतना ही रहता है, लगभग ज़्यादा या थोड़ा 90 एंगल पे ही रहता है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि जो माइक्रोपाइल है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। केम्फाइलोट्रोपस में ओव्यूल इज सर्कल्ड मोर और लेस एट 90 एंगल टू द फ्यूनिकल, बट माइक्रोपिलर एंड इज बेंड डाउनवर्ड स्लाइटली। तो वो माइक्रोपाइल ऐसे ना होके थोड़ा सा मुड़ जाता है। ये फ्यूनिकल है, ये इधर वाला चैलेजल एंड है, फिर एम्ब्रियोसैक है, फिर माइक्रोपाइल ऐसे ना होके थोड़ा सा नीचे मुड़ जाएगा। ओके, और ये जो केम्फाइलोट्रोपस एग्जाम्पल है ये लेगमिनेसी एंड क्रूसीफेरेसी के अंदर एग्जाम्पल है। और जो कॉमन ऑलरेडी पूछा गया है इसका एग्जाम्पल वो है कैप्सियला का। कैप्सियला के अंदर जो एग्जाम्पल है ओव्यूल की पोजीशन के हिसाब से वो है केम्फाइलोट्रोपस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्फीट्रोपस, और एम्फीट्रोपस के अंदर ऑलरेडी बताया गया था एक्सेप्शनल है, जिसके अंदर एम्ब्रियोसैक ही ट्विस्ट हो जाता है, और इसके अंदर एम्ब्रियोसैक कर्व्ड हो जाता है कैसे, हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो एग्जाम्पल है पोपी का एग्जाम्पल पूछा गया है ऑलरेडी, और एक इसमें एग्जाम्पल होता है लेमना है, पोपी एंड एलिस्मा का एग्जाम्पल आता है इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट आता है सिरसिनोट्रोपस, जिसके अंदर फ्यूनिकल इतनी ग्रो होती है, इतनी ग्रो होती है, इतनी ग्रो होती है कि कंप्लीटली कवर ही कर लेती है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को। और इसका एग्जाम्पल है ओपुंचिया या प्रिकली पियर का एग्जाम्पल। ओके बेटा, तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो बहुत बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम्पल है जो पूछे गए हैं, कुछ एग्जाम्पल जो हैं जो आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक या दो बार जरूर देखिएगा ताकि आपको आने वाले ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो क्लियर हो जाए। ओके बेटा, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मेगास्पोरोजेनेसिस करने वाले हैं, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर इज डेवलप फ्रॉम द ओवरी। ओके, थैंक यू।